प्रिय साथियों, आज मैं बाड़मेर से हनुमानगढ़ आ रहा था तो रास्ते में यासिर भाई से मुलाकात हुई। यूं ही पड़ोसी ये देख रहे थे कोई एल्बम, तो मैंने सोचा ट्रेन में कोई एल्बम देख रहा तो या तो परिवार का सदस्य होगा कोई आपस में, लेकिन ये परिवार के सदस्य नहीं थे। फिर मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं भी देखूं, तो मैंने देखा तो बहुत ही मार्मिक फोटो थी। इन भाई साहब के साथ एक हादसा हुआ है, ये भाई साहब एक हादसा हुआ है, बहुत तकड़ा हादसा हो गया, साल भर हो गया अभी। ये मैकेनिक है, बिजली में विभाग में काम करते हैं, सरकार नहीं प्राइवेट जॉब करते हैं। तो पोल पर चढ़े थे, कोई तार ठीकने पीछे से किसी ने तार भूल से वो लाइट शुरू कर दी, तो उस वजह से इनके साथ बहुत भयंकर हादसा हुआ है। अगर आप इनकी फोटो देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ भाई साहब से, भाई साहब दिखाना वो आपका। ये इनके एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, कितने साल का? ये 5 साल का। कितने? 5 साल का। 5 साल, 5 साल का बच्चा है। और अभी पिछले साल इनके साथ हादसा हुआ था, ये देखिए, अगर आपको दिख रहे तो ये इनकी हॉस्पिटल की फोटो, ये इनका हाथ है, ये हाथ पूरा जल गया था, ये पूरा हाथ देखा नहीं जाता, ये पूरा हाथ जल चुका है, ये मुश्किल से मतलब मौत के मुंह से निकले हैं, चेहरा भी खराब हो गया, चेहरा वगैरह सब, ये हाथ पैर, ये हाथ देखा नहीं जाएगा आपसे। ये हॉस्पिटल की फोटो हैं। तो इन भाई साहब का कुल जो खर्चा है, ये पकड़ना भाई साहब, ये हाथ इनका सब कुछ बेकार हो गया अभी। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 7-8 लाख रुपये और लगेंगे, तो उससे ये हाथ में नसें डलेगी और ये ठीक हो जाएगा शायद। अभी कितना हिल सकता है बताना, थोड़ा हिलाना भाई, इतना ही बस, थोड़ा सा हिलता है, चलो नीचा कर लो उसको, नीचा कर लो। अब थोड़ी बहुत जो आप बताना चाह रहे हैं वो बताइए, इन कितना लाख रुपये लगे, टोटल कितने लगे अभी? तो पहले भी पब्लिक से हेल्प ली, अच्छा, तो 18-20 लाख पहले भी लगे हैं। अच्छा। तो घर में उसमें से हमने जो घर में जमीन थी, कोई जानवर था, सब बेच डाले। अच्छा। तो अब हमें वही मकान के लिए जगह बची है घर में, जिस जहाँ रहते हैं, अब वो बेच नहीं पाएंगे, तो वही मेरी अब सर्जरी है, इसमें बाजू की नसें पड़ेंगी। हाँ। तो अभी खर्चा बहुत है, 7-8 लाख में। तकलीफ है पैर में? पैर में भी है मुझे तकलीफ, चल नहीं पाता हूँ सही तरीके से। अभी 6-7 लाख रुपए खर्चा है मुझे, अभी और खर्चा है 6-7 लाख। हाँ, उतना पैसा भी नहीं। अब तक कितना लग गया? अब तक 18-20 लाख तो लग गया है, वो भी पब्लिक ने मेरी हेल्प की। अच्छा, पब्लिक ने की है। हाँ। मैंने इनको यही राय दी थी कि एक बार पब्लिक के पास जाएं, क्योंकि पब्लिक में जो मानवता होती है वो कभी खत्म नहीं होती, पब्लिक आपकी और सहायता करेगी, क्योंकि एक अकेला आदमी 8-8 लाख रुपए नहीं दे सकता, पब्लिक थोड़ा थोड़ा सहयोग करेगी तो हो जाएगा। मैंने ऐसा वीडियो आज तक बनाया नहीं है, मैं तो केवल पढ़ाई की वीडियो बनाता हूँ। आज यासिर भाई की बात सुनी तो मुझे लगा कि शायद किसी में मानवता जाग जाए। तो आप कैसे करोगे, आपके कोई खाता संख्या कैसे लोगे? खाता संख्या दो ना। हाँ, मैं अकाउंट नंबर दे दूंगा, उसमें मेरे अगर हेल्प कर लोगे तो चलो मेरा रब भी देख। एक खाता संख्या मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन खाता संख्या पर आप जो भी जितनी भी आपने की श्रद्धा हो उतनी आप डाल सकते हैं खर्चा। तो इन भाई साहब को एक नव जीवन तो ईश्वर ने दे दिया, नई जिंदगी आप दे सकते हो। आपका नाम क्या साहब? जी मेरा यासिर इकबाल है, मैं जम्मू पुंछ से रहने वाला हूँ। जम्मू से, जम्मू के रहने वाले हैं ये। आज यूं ही मुलाकात होगी, ईश्वर के संयोग होते हैं ये, ईश्वर से कोई संयोग होते हैं, किसी ना किसी माध्यम से कोई काम बनना होता है। तो आप भी अगर हिम्मत दिखाएं, थोड़ी सहायता करें, तो डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर डाल दूंगा। और कुछ कहना चाहेंगे, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो जनता से? हम दो भाई हैं, तो मेरे से छोटा भाई है, कमा नहीं पाता। हाँ, वो भी हैंडीकैप है, उसको थोड़ी आँखों की प्रॉब्लम है, दिखता कम है उसको, वो भी हैंडीकैप है। मेरे पापा वो मजदूर हैं, तो घर में इतना कुछ बचा नहीं है बेचने के लिए, जो ऑपरेशन करवाएंगे, पहले भी सब कुछ बेच दिया, तो इतना मतलब मेरे घर वाले नहीं कर सकते। भाई साहब की इतनी बात, अच्छा बड़ा होने के बाद भी मायूस नहीं है ये, चेहरे पर अभी भी जिंदगी की एक मुस्कान है, और आप इस मुस्कान को बरकरार रख सकते हैं इनकी सहायता करके, आप इनको एक और हौसला दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये शेयर और करें, आप थोड़ा बहुत सहायता कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते तो इसे शेयर कीजिए, कोई और भाई सहायता करेगा। डिस्क्रिप्शन में इनके खाता संख्या डाल देता हूं मैं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है भाई।
धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, आप मेरी हेल्प कर दोगे, मेरा अल्लाह आपकी हेल्प करेगा। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम गए थे अहमदाबाद, गए थे इसी हेल्प के लिए गया था मैं। इस हेल्प के लिए अहमदाबाद गए थे, वहाँ से हुआ नहीं क्योंकि तबीयत थोड़ी ढीली हो गई इनकी, तो बीच में आना पड़ा। जम्मू कश्मीर से अहमदाबाद गए हैं ये हेल्प के लिए, साथ में फोटो कार्ड दिखाने के लिए ताकि लोगों को विश्वास हो। तो इतनी दूर कैसे गए, वहाँ से सहायता नहीं हुई कहीं बीच में? वहाँ से पहले भी की थी लोगों ने मेरी, मैंने अच्छा नहीं समझा और हेल्प। अच्छा, इन्होंने सोचा कि एक एक जगह से लूंगा सभी भाइयों से, तो अच्छा नहीं लगता इनको कि एक एक आदमी से सहायता लें या एक इलाके से लें, तो इनका मन आया कि थोड़ा दूर से सहायता ली जाए। उनसे तो एक बार हो चुकी है सहायता, तो आप एक बार सहायता करें इनकी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।